ये सरकार पिछड़ा विरोधी है, ये सरकार जन विरोधी है, पिछड़ा विरोधी। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर भाजपा ने राजभवन के सामने धरना दिया। राज्य स्तरीय धरने में प्रदेश के कई जिलों से आए कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार ने पिछड़ा समाज पर कुठाराघात करने का काम किया है। सरकार उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। पिछड़ा समाज को सरकार ने पंचायत चुनाव में उसके हक से वंचित किया था और अब निकाय चुनाव भी बिना ओबीसी आरक्षण के कराया जा रहा है। भाजपा ने सरकार को चेतावनी देती है कि पिछड़ा समाज पर आघात न करें, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए, नहीं तो पार्टी पूरे प्रदेश में जोरदार आंदोलन करेगी। राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने कहा कि राज्य में झूठ बोलने वाली सरकार है, यह जनता को गुमराह करने वाली सरकार है। महाराष्ट्र और एमपी में पंचायत चुनाव ट्रिपल टेस्ट के बाद हुए, लेकिन झारखंड सरकार ने बिना ट्रिपल टेस्ट के चुनाव करवाया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर कहा था कि ट्रिपल टेस्ट कराकर ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन उसने कोर्ट को धोखा दिया। अब ये सरकार निकाय चुनाव भी बिना ट्रिपल टेस्ट के कराना चाह रही है। ये पिछड़ा समाज को छलने की कोशिश है। सरकार सिर्फ अपने बाल बच्चों और वंश के लिए बनी है, जनता से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार पिछड़ा विरोधी है, ये सरकार जन विरोधी है, पिछड़ा विरोधी। पंचायत के चुनाव में पिछड़े समाज को आरक्षण नहीं देने का काम किया, पिछड़े के अधिकारों को वंचित करने का काम किया, और आज फिर नगर निकाय की चुनाव की घोषणा हो रही है और मंत्रिमंडल का निर्णय है कि नगर निकाय के चुनाव में पिछड़े के अधिकार को छीन करके वंचित करके चुनाव कराने का संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको आंदोलन करने का काम कर रहे, इस आंदोलन को और हम तेज करें। देखिए, हर महापुरुष की जीवनी पढ़ने के पक्ष में, लेकिन ऐसे महापुरुषों का नहीं जिसके पीछे ऐसे काले कारनामे हैं जिसको पढ़ने से बच्चों के भविष्य के लिए प्रश्नचिन्ह बने। बीजेपी की सरकार चल रहे थे तो स्वयंवोल के आधार पर चुनाव हुआ था, लेकिन वर्तमान सरकार को डर है कि यदि हम स्वयंवोल के आधार पर चुनाव कराएंगे तो हमारे एक भी कार्यकर्ता चुनाव जीत के नहीं आएंगे। इसलिए आनंद फानन में पिछड़ों को ऑप्शन दिए बगैर यह सरकार चुनाव करा रही है, लेकिन पिछड़ा समाज इस सरकार को औकात बताने का काम करेगी और इनके कार्यकर्ताओं को हराने का काम करेगी। निश्चित आंसू के साथ साथ अन्य लोग भी गए हैं, बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट गए हैं और इसकी भी सुनवाई होगी और निर्णय आएगा और जनता के हित में निर्णय आएगा। इस सरकार को नंगा होना पड़ेगा, इनका नकाब फिर से खुलने का काम करेगा, जनता के बीच में इनका असली चेहरा फिर से दिखेगा। निश्चित रूप से, चूंकि मैं झारखंड का एक साधारण परिवार से आने वाला कार्यकर्ता हूँ, पिछड़ा समाज से आता हूँ और पिछड़ा समाज के साथ जो अन्याय और अत्याचार इस आरक्षण के माध्यम से किया जा रहा है, इस आवाज को, झारखंड की आवाज को, झारखंड के पिछड़ों की आवाज को राज्यसभा में इनकी आवाज बन के बुलंदी के साथ रखने का काम करूंगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।